क्या आपको पता है हमारे देश यानी कि भारत में एक ऐसा पक्षी भी पाया जाता है जो कभी भी अपने पैर जमीन पर नहीं रखता है। और क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां रेगिस्तान और समुद्र एक साथ मिलते हैं। तो ऐसे ही कमाल के फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फैक्ट नंबर वन, भारत के मेघालय में उंगोट नदी नाम से एक नदी है जिसे भारत की सबसे साफ नदी कहा जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नदी में गंदगी करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों को चाय पीना तो जरूर पसंद होगा और आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं पीते होंगे, लेकिन दोस्तों हमारा जो दूसरा फैक्ट है वो चाय के ऊपर ही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो गर्मा गर्म चाय होती है वो किस धातु के बर्तन में जल्दी ठंडी होती है? और इसका जवाब है दोस्तों, चांदी के बर्तन। हाँ दोस्तों, चांदी के बर्तन में अगर आप लोग गर्मा गर्म चाय डालोगे तो बाकी धातुओं के मुकाबले चांदी के बर्तन में डाली गई चाय सबसे पहले ठंडी होती है। और क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पहले से पता था कि नहीं, वो कमेंट करके जरूर बता देना। फैक्ट नंबर थ्री, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पैर कभी धरती पर नहीं रखता है। इन पक्षियों को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल बहुत पसंद है। ये अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाते हैं। फैक्ट नंबर फोर, दुनिया में दोस्तों एक ऐसी जगह भी है जहां पर समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। यह जगह है नामीबिया का वेस्ट कोस्ट। बता दें कि ये दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। खास बात यह भी है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले विश्व में सबसे बड़े होते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों बाज एक ऐसा पक्षी है जो कि अपने एक शिकार को 3.2 किलोमीटर की दूरी से देख सकता है। तो ये थे दोस्तों टॉप 5 बेस्ट अमेजिंग फैक्ट्स जो मेरे ख्याल से आपको पसंद आए होंगे। अगर आप लोग दोस्तों जानना चाहते हैं कि बेस्ट विजिटिंग प्लेस इन गुजरात तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करिए। अगर जानना चाहते हैं कि बेस्ट विजिटिंग प्लेस इन अहमदाबाद तो लेफ्ट में दी गई वीडियो पर क्लिक करें। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।